हर महादेव, जय श्री शंभू। नमस्कार आदाब, मैं हूं देव, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास आई है भाई महेंद्र थार और इसके अंदर हमने लगाए हैं बीआर के 150 वाट के एलईडी बल्ब जो कि हमने फोक हेडलाइट में लगाए हैं। ये रहे 150 वाट बीआर के की हेडलाइट में लगाए हमने एलईडी, और फोक लैंप में लगाई बीआर के की ही 55 वाट एलईडी जो फोक लैंप में लगाई है। इसके अलावा भाई इसमें किया स्टिचिंग, स्टीयरिंग कवर ये देखिए बहुत ही शानदार क्वालिटी है, स्टिचिंग बहुत शानदार है। और ये रही भाई हमारी ब्लैक कलर की थार, इसका नाम लगाने वाले हैं एम्बिएंट लाइट, ठीक है भाई। एम्बिएंट लाइट भी लगाएंगे और एटमॉस्फेयर लाइट भी लगाएंगे। ये आरजीबी की एम्बिएंट लाइट है, ठीक है, और ये कार्डी की एटमॉस्फेयर लाइट है। तो ये रही भाई एम्बिएंट लाइट, येल बार जिसे कहते हैं, येल बार भी कहते हैं, कोई एम्बिएंट लाइट भी कहते हैं। तो भाई क्वालिटी थोड़ी सी चेंज आई है इस बार, अच्छी क्वालिटी आई है। जो रिमोट आप देखिए बहुत शानदार रिमोट आया है, और पहले रिमोट जो आता था वो इस टाइप का आता था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस टाइप का रिमोट पहले आता था ये, ठीक है, और अब रिमोट चेंज करके ये वाला दे दिया है। ये देखिए बहुत मतलब थोड़ा हेवी क्वालिटी कर दी है, हेवी क्वालिटी कर ली तो रेट भी थोड़ा बढ़ के आया है। ये इसके ब्लूटूथ है, वायरिंग वगैरह है। तो भाई ये रही हमारे पैनल जो हमने दोनों पैनल हमने खोल लिए हैं थार के, दो ही पैनल आते हैं तो दोनों पैनल खोल लिए। तो ये हमने इसके अंदर लगा दी पाइपिंग, ये देखिए आप यू शेप में हमने पूरा फिट किया इसको राउंड में, ये देखिए। और इसके अंदर हम लगाएंगे दो ब्लूटूथ, ठीक है भाई। ये देखिए एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, दोनों पाइपिंग में हम दो ब्लूट लगाएंगे। दोनों डोर पे सेम वही रहेगा, दो ब्लूट यू शेप में फिट करा इसको भी हमने, पूरा फिट कर देना थे भाई। और ये इसकी वायरिंग, अब गाड़ी के अंदर जाते हैं इसकी वायरिंग करते हैं, ठीक है। ये ब्लूट है, पांच ब्लूट है इसके अंदर, पाँच छः ब्लूट है सॉरी, तो ये छः के छः ब्लूट हम उसके अंदर फिट कर देंगे गाड़ी के अंदर। तो पहले हमने खोल लिए ऑलरेडी, तो इसकी मतलब ताम झाम नहीं है। और भाई गाड़ी तो बहुत शानदार है थार भाई, गाड़ी की वायरिंग हम देते हैं, ठीक है। तो भैया पूरा गाड़ी का काम हमने कंप्लीट कर दिया है, पूरी पाइपिंग वगैरह इसकी सब लगा दी, ब्लूटूथ लगा दी, वायरिंग कनेक्शन कर दिए एम्बिएंट लाइट की और एटमॉस्फेयर लाइट की। तो ये भाई कुछ इस तरीके से, ये देखिए इसका कुछ इस तरीके से व्यू आ रहा है, कुछ इस तरीके इसका एम्बिएंट है, ये देखिए आप। और भाई ये जो लाइट जो लगाई है हमने, ये ब्लैक कलर की पाइपिंग है इसकी, शायद आपने गौर किया होगा, तो मतलब समझ में नहीं आता एकदम से किसी को कि हाँ ये पाइपिंग लगी है, कि मतलब एम्बिएंट लाइट लगाइए क्या लगाइए। और इसको आप रिमोट से भी सेट कर सकते हैं और एक के थ्रू भी सेट कर सकते हैं, हालांकि मैंने ब्लू कलर पर सेट करके रखा है, बाकी आपको जैसा भी रखना हो आप रख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा हेडलाइट की और फोक लाइन की लाइट है जो हमने एलईडी बल्ब लगाए हैं उसकी लाइटिंग में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रही भाई 150 वाट जो हमने हेडलाइट में लगाई है और 55 वाट की फोक लैंप में लगाई है, इसकी रोशनी भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है भाई। ये रही हमारी फोक लैंप की लाइट, ये देखिए ये फोक लैंप की रोशनी है, ठीक है, जो हमने 55 वाट की लगाई है थार के अंदर, महिंद्रा थार के अंदर फोक लैंप के अंदर। अब दिखाते हैं आपको हेडलाइट की रोशनी, हेडलाइट की रोशनी भी आप देखिए। और भाई ब्लैक गाड़ी में तो मस्त लगती वाइट रोशनी तो, ठीक है। ये देखिए ये अपर डिपर, डिपर ये अपर, वो भाई जिसके पास ब्लैक गाड़ी और वाइट लाइट लगा हो तो मस्त लगती गाड़ी एकदम सामने से आती हुई। हाँ हाँ, येलो के मुकाबले ब्लैक गाड़ी में वाइट रोशनी अच्छी लगती है, ये देखिए बस दूर से देखो तो अलग ही चमकती गाड़ी, क्या भाई धार आ रही है और रोशनी भी मस्त लगती है वाइट कलर की। ब्लैक गाड़ी और रेड गाड़ी दोनों में ही वाइट रोशनी बहुत मस्त लगती है। तो भाई ये था कुछ इस तरह का काम जो हमने गाड़ी के अंदर किया है। अगर आपको पसंद आ जाएगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है भाई, धन्यवाद।